हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न क्विस्ट। आई एम नासिरुद्दीन अहमद। पिछले वीडियो में मैंने देखा था एनिमल किंगडम की बेसिस क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम देखेंगे फाइलम पोरिफेरा से। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग पहले वीडियो भी देख कर आएंगे, तो ये फाइलम पोरिफेरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फाइलम पोरिफेरा, पोरिफेरा मीन्स पोर बियरर, यानी पोरिफेरा के पूरे शरीर में ये छोटे 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 पोर रहेंगे, यानी सेद रहेंगे। पूरे शरीर में छोटे छोटे सेद रहेंगे, इसलिए इसको हम पोरिफेरा कहते हैं। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस फाइलम में जो मेंबर रहेगा उसको हम स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। बॉडी इज परफोरेटेड विद मेनी पोर कॉल ओस्टिया। इसके शरीर में ये जो पोर रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर रहते हैं, इसको हम ओस्टिया कहते हैं। दे आर सेसाइल, ऑल आर एक्वाटिक, मोस्टली मेराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर, दैट इज स्पॉन्जिला। दे आर सेसाइल यानी ये मूव नहीं कर सकता है। सेसाइल मीन्स मूव नहीं कर सकता है, जहाँ पर ही रहेगा वहाँ पर ही रहेगा, ये मूव नहीं करता। ऑल आर एक्वाटिक, मोस्टली मेराइन एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर एनिमल। सब सब स्पॉन्जेस तो एक्वाटिक ही है, पानी में रहता है। मोस्टली जो स्पॉन्जेस रहता है वो समुद्रिक में देखने को मिलता है, और कुछ कुछ स्पॉन्जेस हमको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला ऐसे एक स्पॉन्जेस है जिसको हमको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलता है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी इसमें बॉडी में जो सारा काम होगा वो सेल ही करेगा। दे हैव नो ऑर्गेन इन देयर बॉडी। इसके बॉडी में कोई तरह की ऑर्गेन देखने को नहीं मिलता है, यानी ऑर्गेन सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता है। ऑर्गेन ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेन सिस्टम कैसे देखने को मिलता है। दे हैव टू पावर टू रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट। अब देखिए, आप मान लीजिए यहाँ से स्पॉन्जेस के हेड बॉडी से हम ऐसे इसको काट दिया है। कुछ दिनों के बाद हमको देखने को मिलता है कि यहाँ से ये फिर से ये रीजेनरेट, इसके जो लॉस्ट हुआ पार्ट है ये फिर से रीजेनरेट कर लेता है। इसके पास वो पावर है, स्पेशल पावर है कि वो इसको जो लॉस्ट हुआ है बॉडी के जो पार्ट इसको लॉस्ट हुआ है वो वहाँ से उसको फिर से रीजेनरेट कर सकता है। बट हमारे पास ये पावर नहीं होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे हाथ यहाँ से काट गया है, तो हम इसको फिर से यहाँ से रीजेनरेट नहीं कर सकते हैं, फिर से यहाँ से रीजेनरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वो पावर ही नहीं रहता है जैसे कि हम इसको फिर से यहाँ से रीजनरेट करें। बट स्पॉन्जेस के पास वो पावर रहता है कि वो उसको जो बॉडी पार्ट जो लॉस्ट हुआ है उसको वो फिर से वहाँ से वो रीजनरेट कर सकते हैं। नो जर्म लेयर, इसमें कोई जर्म लेयर देखने को नहीं मिलता है। दिस आर मोस्टली ए सीमेट्रिकल बट सम आर रेडियल सीमेट्रिकल। स्पॉन्जेस में सीमेट्री देखने को नहीं मिलता है, यानी ए सीमेट्रिकल यानी एबसेंट ऑफ सीमेट्री, इसमें सीमेट्री देखने को नहीं मिलता है। बट सम स्पॉन्जेस में, कुछ कुछ स्पॉन्जेस में हमको रेडियल सीमेट्री देखने को मिल जाता है। सेगमेंटेशन एबसेंट, नोटोकॉर्ड एबसेंट, इसमें नोटोकॉर्ड भी एबसेंट ही देखने को मिलता है। एक बात याद रखना, सिर्फ हमको कॉर्डाटा फाइलम में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलता है, और कोई फाइलम में हमको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। आगे हम जो भी फाइलम देखेंगे, जितने भी फाइलम देखेंगे, सब में हमको नोटोकॉर्ड एबसेंट ही मिलेगा, एक्सेप्ट कॉर्डाटा फाइलम। कॉर्डाटा फाइलम में हमको सिर्फ नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, और कोई फाइलम में हमको नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है। सिलोम एबसेंट, ए सिलोमेट, इसमें सिलोम भी एबसेंट देखने को मिलता है। जो एनिमल में, जो ऑर्गेनिज्म में सिलोम एबसेंट रहता है उसको हम ए सिलोमेट नाम से ही जानते हैं। देखेंगे वाटर कैनल, अब देखेंगे हम वाटर कैनल सिस्टम। देखेंगे वाटर कैनल सिस्टम क्या होता है। वाटर कैनल सिस्टम ऐसे एक सिस्टम है जो इसकी मदद से स्पॉन्जेस की सारे जरूरतमंद काम ये पूरा करेगा, यानी न्यूट्रिशन, फूड टेंस, न्यूट्रिशन मीन्स फूड, और जो बाहर से जो फूड उसको कैप्चर करना है बॉडी में वो फूड, फूड टेंस पर
रेस्पिरेशन भी वाटर कैनल की मदद से भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, रिप्रोडक्शन भी जो सारा काम होता है सो वाटर कैनल सिस्टम ही करेगा। यानी इसके पास तो कोई ऑर्गन ऑर्गन ही नहीं होता है, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होता है, तो कैसे सारा काम करेगा? ये वाटर कैनल सिस्टम से ही ये सारा काम करेगा। अब देखिए ये वाटर कैनल सिस्टम क्या होता है। स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनल सिस्टम। वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इन टू ए सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जो सेल फ्रॉम वेयर इट्स गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम। अब देखिए स्पॉन्जर्स के पास जो छोटे छोटे पोर रहते हैं, ये जो छोटे छोटे पोर रहते हैं इस पोर से ही ये वाटर इस पोर से स्पॉन्जर्स के बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, ओस्टिया से ही बॉडी के अंदर एंट्री करेगा। और जो ओस्कुलम होता है ये वाटर ओस्कुलम से एक्सिट होकर बाहर निकल जाएगा। द कैनल सिस्टम हेल्प्स इन स्पॉन्जेस इन न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। ये कैनल सिस्टम हमको न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करेगा, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन भी हेल्प करेगा। यानी सारा काम एक कैनल सिस्टम की मदद से ही स्पॉन्जेस कर लेगा। बॉडी वॉल हैज टू लेयर दैट इज आउटर पिनाकोडर्म एंड इनर क्वानोडर्म। स्पॉन्जर्स के पास दो तरह के बॉडी लेयर देखने को मिलता है, यानी इसके बॉडी में दो तरह लेयर होता है, बॉडी सरफेस में बॉडी वॉल में दो लेयर होता है। बाहर की जो लेयर होता है इसको हम पिनाकोडर्म कहते हैं और अंदर की जो लेयर होता है इसको हम क्वानोडर्म कहते हैं। इन बिटवीन टू लेयर ए नॉन सेलुलर जेली लाइक लेयर मेसेनकाइम इज प्रेजेंट। और पिनाकोडर्म और क्वानोडर्म के बीच जो लेयर होता है ये जेली लाइक जो लेयर है ये जेली लाइक लेयर को हम मेसेनकाइम कहते हैं। पिनाकोडर्म हैज पिनाकोसाइट एंड क्वानोडर्म हैज क्वानोसाइट। देखिए पिनाकोडर्म के पास जो सेल रहता है, पिनाकोडर्म के पास जो सेल रहता है उसको हम पिनाकोसाइट कहते हैं, और जो क्वानोडर्म के पास जो सेल रहता है उसको हम क्वानोसाइट सेल कहता है। ये देखिए ये जो येलो कलर की जो ये है सेल है इसको ये क्वानोसाइट सेल है, और ये क्वानोसाइट के पास है फेजला सेल फेजलेट रहता है, ये फेजला रहता है क्वानोसाइट के पास, क्वानोसाइट और फेजलेटर सेल यानी क्वानोसाइट के पास फेजला रहेगा। अब हम इसके फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन सिस्टम एब्सेंट, इसमें डाइजेशन सिस्टम भी एब्सेंट रहता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होगा। फूड इज कैप्चर्ड बाय फ्लैजेला ऑफ क्वानोसाइट व्हिच डाइजेस्ट इट पार्शियली। क्वानोसाइट के पास जो फ्लैजेला रहता है उस फ्लैजेला की मदद से ही फूड को कैप्चर कर लेता है और उसे भी डाइजेस्ट कर लेता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहता है। गैस एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस से ही वो गैस एक्सचेंज कर लेता है, यानी बॉडी वॉल की मदद से ही वो गैस एक्सचेंज कर लेता है। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन सिस्टम भी एब्सेंट रहता है। इसमें नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट रहता है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन सिस्टम भी एब्सेंट रहता है। एक्सक्रीशन प्रोडक्ट इस एमोनिया एमनियोटेलिक, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखने को नहीं मिलता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो एमोनिया होता है, और जो एमोनिया एक्सक्रीट प्रोडक्ट होता है उसको हम एमनियोटेलिक एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड हर्मोफ्रोडाइट, यानी इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है, मेल फीमेल एक ही इंडिविजुअल में देखने को मिलता है, यानी एक ही एनिमल में मेल और फीमेल देखने को मिलेगा, ये मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होगा, इसको हम कहते हैं हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट मीन्स जो एनिमल में मेल और फीमेल एक ही बॉडी में देखने को मिलता है उसको हम हार्मोफ्रोडाइट कहते हैं। स्पॉन्जेस में मेल और फीमेल एक ही एनिमल में देखने को मिलता है, दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल। एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल से ही प्रोड्यूस होगा, एंड इट्स नॉर्मल बात है, एक ही बॉडी में जो मेल और फीमेल रहेगा तो एग एंड स्पर्म एक ही इंडिविजुअल से ही प्रोड्यूस होगा। रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल।
रिप्रोडक्शन ज़्यादातर स्पॉन्जेस में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, पर कुछ कुछ स्पॉन्जेस में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, यानी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फ्लैजेला ऑफ गोनोसाइट कैप्चर्ड स्पर्म एंड पासेस थ्रू इट टू अवर डेवलपिंग मेसेंकाइमा। गोनोसाइट सेल के पास जो फ्लैजेला रहता है, उस फ्लैजेला से मदद से वो स्पर्म को कैप्चर कर लेगा और डेवलपिंग ओवा से ओवा के पास उसको भेज देगा। इस तरह से वो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज हु इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। लार्वा इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मीन जो डेवलपमेंट में हमको लार्वल फॉर्म देखने को मिलता है उसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और उसके जो लार्वा होता है, इसके जो लार्वा होता है वो एडल्ट से कुछ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट देखता है, डिफरेंट देखने को मिलता है। और लार्वा आर सिलिएटेड एंड फ्यूसमी, और इसके जो लार्वा है उसके पास सिलिया रहता है और ये मूव कर सकता है, यानी स्विमिंग कर सकते हैं, मूव कर सकता है। और इसके जो एडल्ट है ये मूव नहीं करता है, सिर्फ इसके लार्वा ही मूव करता है, इसके एडल्ट मूव नहीं करता है। अब हम स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट, साइकोन। साइकोन को हम स्कैइपा भी कहते हैं। ये देखिए, ये साइकोन है। और स्पॉन्जिला, फ्रेशवाटर स्पॉन्जिला को हम फ्रेशवाटर स्पॉन्जिल भी कहते हैं, ये स्पॉन्जिला है। नेक्स्ट, स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया को हम पार्क स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ये देखिए, ये स्पॉन्जिया। पीडीएफ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चाहे तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।